हमेशा सरकार के एजेंट के रूप में काम करने वाले पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा एक बार फिर सरकार का प्रचार प्रसार करते नजर आए। पन्ना के अमानगंज में विकास यात्रा के दौरान कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि आने वाले 25 साल तक यही सरकार रहनी चाहिए। कलेक्टर संजय मिश्रा ने यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि इस सरकार में शताब्दी मनाई जाए। बता दें, पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पन्ना कलेक्टर को जमकर फटकार लगाते हुए कहा था कि संजय मिश्रा सत्ताधारी दल के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में अहम सवाल यह है कि आखिर पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा बार बार अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं। अमानगंज से अनूप शुक्ल की रिपोर्ट। यही सरकार है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहने हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि ये सरकार पहली बार है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को नींद आती नहीं दिख रही होगी, सबके अंदर इतना ही जोश है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि ये आप लोगों की सेवा का हम लोगों को दुर्लभ मौका मिला। जब हम नौकरी में आए थे बहुत सारे लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे, क्यों मेरा ही सिलेक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमें कहीं न कहीं से नियति में होगा कि मैं अमानगंज में कभी रहूंगा। अमानगंज